আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি ব্রিটিভ ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। 1990 সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে 70% ধনী ছিল, অথচ আজ বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে 45% বেশি ধনী হয়েছে। পাকিস্তানি এক যুবক আলোচনা করছে কিভাবে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল, আর সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় ব্রিটিশ ইনফোটেনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। 1971 में हमसे अलग होने वाला मशरिकी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश कैसे तरक्की करता हुआ आज पाकिस्तान से आगे निकल गया। 1990 तक पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज़्यादा अमीर था, लेकिन आज 2021 में बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा अमीर हो चुका है। बांग्लादेशी टके ने पाकिस्तानी रुपए को टके से भी नीचे गिरा दिया है, और आज एक टके की वैल्यू 2.25 रुपए पाकिस्तानी के बराबर हो चुकी है। हालात तो अब यहाँ तक आ चुके हैं कि बांग्लादेश ने फीकस आमदनी में पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। 1990 तक तो बांग्लादेश में माशाल्लाह लगते रहे, बांग्लादेश में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हर साल दर्जनों सैलाबों से मुतासिर होने वाला बांग्लादेश तरक्की करता करता आज पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान मुजम्मिल और आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश के मुतालिक बड़े बड़े माशी माहरीन का ये ख्याल था कि इस मुल्क में आबादी और गुरबत इतनी ज़्यादा है और वसाइल इतने कम हैं कि ये मुल्क अपना वजूद भी कायम नहीं रख सकेगा, और हुआ भी ऐसा ही। अलहदगी के बाद बांग्लादेश बदतरीन सियासी इंतशार का शिकार हो गया। 15 अगस्त 1975 यानी आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को उनकी अपनी ही आर्मी के जवान ने उनके घर में घुसकर उनको भी हलाक कर दिया, और साथ साथ जितने भी घर में अफराद मौजूद थे, ख़ानदान के अफराद मौजूद थे या नौकर थे, उन सबको आर्मी के जवानों ने मार दिया और बांग्लादेश में मार्शल लॉ का नफाज कर दिया। बांग्लादेश के मुतल्लिक एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि बांग्लादेश एक ऐसी टोकरी है कि जिसके नीचे सुराख है, इसमें जितना मर्ज़ी पैसा डाल दिया जाए ये टोकरी कभी नहीं भर सकती। बांग्लादेश में कुल 3 दफ़ा मार्शल लॉ नाफिज हो चुके हैं। आज भी बांग्लादेश में मुकम्मल जमहूरियत नहीं है, बल्कि किसी हद तक जमहूरियत को आर्मी ने ही कंट्रोल किया हुआ है। किस्सा मुख्तसर ये है कि 1996 में बांग्लादेश ने अपनी तरक्की का आगाज़ किया या अपनी तरक्की के आगाज़ की बुनियाद रखी। बांग्लादेश में फ़ौज, अदलिया और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक कंसेंसस डेवलप किया कि वो अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर हर वो काम करेंगे जिससे बांग्लादेश की मईशत को फ़ायदा होगा। फिर हुआ भी ऐसा ही, बांग्लादेश में मर्दों और औरतों दोनों की तालीम पर बराबर तवज्जो दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि आज बांग्लादेश में शरह ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट 90% है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 75% है। बांग्लादेश ने औरतों को एम्पावर करने के लिए खसूसी तौर पर तवज्जो दी, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत किया। बांग्लादेश ने अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक कामयाब तरीन कम्पेन भी लॉन्च की। 1971 में मगरबी पाकिस्तान की आबादी मशरिकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से कम थी, लेकिन आज पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से ज़्यादा है। 1996 से लेकर 2012 तक बांग्लादेश तरक्की करता 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 पाकिस्तान के बराबर आकर खड़ा हो गया, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट बराबर हो गए। लेकिन बांग्लादेश ने यहाँ बस नहीं की, बांग्लादेश ने 8.5% ग्रोथ रेट से तरक्की करना शुरू कर दी, जबकि पाकिस्तान में बदतरीन बिजली का बहरान पैदा हो गया। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह नाकाम हुई। लोड शेडिंग की वजह से हमारी कंपनियों ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बंद करके बांग्लादेश और मलेशिया शिफ्ट होना शुरू हो गए, जबकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक से काटन इम्पोर्ट की और गारमेंट्स के मलबूसात तैयार करके पूरी दुनिया में उसकी एक्सपोर्ट शुरू कर दी और अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया। बांग्लादेश ने 80 लाख लोगों को गुरबत की सतह से ऊपर उठाया।
आज बांग्लादेश की कुल एक्सपोर्ट 43 अरब डॉलर से क्रॉस कर गई है, जबकि पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 23 अरब डॉलर तक महदूद है। आज बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, यानी 41 अरब डॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 19 अरब डॉलर हैं, जिनमें बेशतर या तो वो रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान को दुबई और सऊदी अरब से आते हैं, या इसके अलावा बैरूनी कर्जा है। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कम्पीट करना है तो इसे कम से कम 10 साल माशी प्लान लाना होगा और बिजली के बहरान को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, और पाकिस्तान को कम से कम 10 साल के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। असंख्य धन्यवाद जाना वीडियो शेष पर्त देखार जो এভাবেই বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো প্রতিনিয়ত আপনাদের সামনে তুলে ধরাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর আমাদের এই পথচলায় আপনাদের সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। সকালের সোনালী সূর্যোদয়ের মতো আপনার জীবনের প্রতিটি দিন হোক সুন্দর, স্বচ্ছ এবং আনন্দময়। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।